But Sangwan, वहाँ पे consistently but एक grenade से Sangwan ने finish करा पूरा OR का squad and was the last man remaining. But अभी Fnatic के पास zone advantage भी है, cover भी है, सारी टीमों को बाहर से अंदर आना. IND Slayer is the last one surviving for IND and Godzaksh के ऊपर एक grenade आया. I think he will get it. Godel kill is the last one for Godel and यहाँ पे IND Slayer ने एक और grenade डाले Slayer. अगर ये वाली अगर कार फटी वहाँ पे ओके. How does he know कि किधर ग्रेनेड करना? That was such an amazing thing. And Slayer आगे आ रहे, health उनके पास अब देखो बहुत ज़्यादा कम. But then यहाँ पर Max Cash आगे move करे अक्षय के पास. अक्षय smoke को पूरा पूरा अपने advantage में लेकर आता है. And then Max Cash भी late चुके because उनको advantage उस चीज़ का देना पड़ेगा जो कि smoke के बीच में sound आती है. And पूरी fight होनी शुरू हो चुकी है वहाँ पर. अक्षय को अक्षय down. Max Cash in an insane, amazing way. 5 teams remaining, 9 people alive. Who will be the first person to win? Gil के पास एक और grenade आया तो उनकी health कम हुई. But then Slayer knows कि इनके आगे एक और opponent है. Slayer slowly and steadily move करेंगे because एक-एक kill matter करता है. But Fnatic के पास यहाँ पे मेरी ख्याल से excellent position है जहाँ पे zone में सारी टीमों का आना है और ऊपर से वो लोग zone में अंदर dominate करें. एक kill है उनके पास, दो वही kill है. But अभी Godel kill के ऊपर ही ये वाला पूरा की पूरा molotov center में गिरा and I think Gil will get finished over there. But यहाँ पे kill steal हो गया. Strider ने उसको kill करा at the end. यहाँ पे Slayer cut 3000 IQ. उसको पता है exactly कहाँ पे player prone है, कहाँ पे वो player cover ले रहा है. But Slayer took his team on the top 5 in this match. But अबे अक्षय मेरी ख्याल से heel battle कर रहा है. But I think वो इतना ज़्यादा matter नहीं करेगा. अगर Slayer वहाँ पे finish हो तो वो top 3 में आ जाएगा. But Slayer is also doing the same. वो भी heel battle कर रहा है यहाँ पे. Strider और Seer भी दो बचे हुए. But Fnatic का पूरा squad मेरी ख्याल से Fnatic के पास ये match बना हुआ है उसके लिए. पूरा की पूरा match बना हुआ है. बिल्कुल. बाकी सब team zone के बारे. Seer भी zone के just थोड़ा सा बाहर. Strider zone के edge पर है. Slayer वहाँ पर जाने से पहले heel battles करेंगे जितना देर हो सके. Sangwan is going for it. But then Sangwan spotted है. Then जाते जाते एक ग्रेनेड करके जाएंगे. अगर सीरवी के लिए दिक्कत हो सकती है, सीरवी से सीरवी के पास से एक ग्रेनेड, उनको अंदर मूव करना पड़ेगा. जोन के अंदर तो आ चुके. 8 बिट एलिमिनेट होती है. डाउन टू टॉप 3 टीम्स. एंड स्लेयर इज आउट देयर. एंड देन Fnatic इज रेडी फॉर अ फाइट. टेक डाउन सीरवी. एंड देन सीरवी को फिनिश किया जाएगा. यस. एंड देन इट्स 4v1v1. बट एक चीज वहाँ पे दिख रही है, Sangwan ने वो ग्रेनेड कैंसिल नहीं करा, तो डैमेज दिया. बट अभी Strider सामने है, मेरे ख्याल से हेड दिख रहा है वहाँ पे. Fnatic always is taking those single tap from that AUG. Strider will get finished. Right hand side में prone होके जा रहे हैं. बट अब मेरे ख्याल से फिर से spot हो चुका. Strider will get finished. And आखिरी Slayer बचा हुआ. 4v1 situation क्या यहाँ पे. Okay, 4v1 win for Fnatic over there. Beautiful victory for them. And always Paritosh. And यहाँ पे परितोष की कमी मेरी ख्याल से महसूस नहीं हो रही होगी, because यहाँ पे Sangwan ने क्या replace करा इस वाले squad को. There you can see those thumbs up coming up and high five with look at those all happy of these faces players. Like उन with रौनक बोल रहा है literally कि मेरे को पता है हम जीतेंगे. मेरे को पता है. It's on his face that he can actually say. And look at Sangwan, he's like he has actually done an incredible work with the team. ऐसे होता है कि एकदम से नई टीम होती है, सिनर्जी बनानी होती है. बट देन इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये बने थे इस पूरे पूरे गेम के लिए. वो ग्रेनेड जो ग्रेनेड से थोड़ा सा डैमेज दिया एंड चिकन डिनर इनके पास. जस्ट लुक एट देम हैप्पी. फाइनल फाइनल सर्कल में मैंने देखा था जब उनको दिखा कि 5 प्लेयर्स अलाइव, 4 तो हम ये चारों उठे थे वहाँ पे. एंड देखते हैं फाइनल किल कौन लेगा. बट आखिर में ओवेस ने भी मेरे ख्याल से अच्छी असॉल्टिंग करी थी क्लोज एनकाउंटर में स्पॉट करने की. एंड आईएनडी का जो हील बैटल था विच गॉट फोर्थ पोजीशन से उनको वो सेकंड पोजीशन में लेके आए. Slayer अकेला बचा था. अगर वो सोचता कि मैं जोन में जाके लेट जाता हूँ, एसजी उनको वहीं पे फिनिश कर देते एंड मे बी दे वुड हैव बीन इन द थर्ड और फोर्थ पोजीशन. 8 बिट का वहाँ पे हील्स खत्म हो गया था एंड ही वाज फिनिश्ड आउटसाइड द जोन. Fnatic विद दैट एक्सीलेंट गेम प्ले, उन्होंने जोन उनको बहुत अच्छे से यू नो दे वेंट इन द जोन. काफ़ी सारा उन्होंने जोन का यू नो जो जोन का एरिया था वो जोन का काफ़ी सारा एरिया था जो उन्होंने कवर किया था विद दैट व्हीकल. एक एक जन ने अपना अपना